नमस्कार। बॉम्बे के इसी एक इलाके में मेरी एक फिल्म का प्रीमियर हुआ था जिसका नाम था रंग दे बसंती। और उसके एंड पे मुझे एक मौका दिया गया था कि माइक पकड़ के कुछ बोलो, तो मैंने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फिल्म बनाई है। तो जो करण सिंघानिया का जो डायलॉग था वो मेरा उस टाइम का अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना था, क्योंकि करण सिंघानिया और रंग दे बसंती नाम की फिल्म को अभी इतने साल हो गए हैं फिर भी बहुत फ्रेश है सबके जहन में और अभी भी बहुत लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के कि मैं इतने साल बाद आप इसी हिंदी फिल्म मीडिया के सामने खड़ा हूँ और इस बार मैं फिर से गर्व से ये कह सकता हूँ मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने और मेरे जो अध्यापक और मेरे जो भी गुरुजी सब हैं उन्होंने मिलके ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी 2.0 टॉलरेंस। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे प्रेस मीट्स अटेंड किए होंगे, जो भी इस टीवी या यूट्यूब के जरिए मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं साउथ वाली फिल्म है, साउथ फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर ये साउथ की फिल्म होती तो पिक्चर का नाम साउथ इंडियन या यू नो दक्षिण भारतीय होता, पिक्चर का नाम हिंदुस्तानी है। ये एक असली पैन इंडियन और इंडियन पिक्चर और भारतीय पिक्चर है। और इस फिल्म में दो बहुत बड़े दिग्गजों के साथ मैंने काम किया है। एक उनमें से वो हैं जिन्होंने 21 साल पहले मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो उन्होंने मुझे पहली बार बतौर एक एक्टर दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और मुझे मौका दिया था कि मैं एज एन एक्टर अपना करियर बना सकूं। उन दिग्गज का नाम है द ग्रेट शंकर सर एंड ही इज हियर। तो मैं एक शंकर प्रोडक्ट हूँ सिनेमा में और वो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ और इस मंच पे मैं फिर से मेरे शंकर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मेरी जो पूरी जिंदगी है, आधी जिंदगी से ज़्यादा मैंने बतौर एक एक्टर गुजारा है तो ये मेरी जिंदगी है, तो मेरी जिंदगी का जो पहला कदम था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलवाया था तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं उनको बताना चाहूँगा कि 21 साल बाद उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है एक फिल्म में, एक पिक्चर में एक्ट करने का, लेकिन इस बार मेरे सामने कमल हासन सर एक्ट कर रहे हैं। सो इस मौके के लिए फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। अब आता हूं मैं मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ, मेरे कमल हासन सर के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। देखिए आज की तारीख में आप लोग पैन इंडिया वगैरह वगैरह बोलते हैं, कभी आपको फ्री टाइम मिला तो यूट्यूब पे अप्पू राजा का 100 डेज का फंक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा। वो एक हिंदी फिल्म थी जो हमारे कमल सर ने प्रोड्यूस की थी और दो रोल्स निभाए थे अप्पू और राजा के। और उस फिल्म के अगर आप 100 डेज का फंक्शन देखेंगे, जो भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज माने जाते हैं वो सब आपको उस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि 30 साल पहले ही मद्रास से आए एक शख्स ने पूरी ये जो ज्योग्राफी है उसको ना सिर्फ हिला दिया, सबको भुला दिया, क्योंकि वो एक इंडियन पैन ग्लोबल पैन यूनिवर्सल स्टार हैं हमारे कमल हासन सर। आज अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं रोज उनके साथ काम कर चुका हूँ इन 21 सालों में, वो मेरे साथ पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने हर दिन जिस कैमरा के सामने मैंने अपनी अदाकारी दिखाई है वो मेरे अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आज वो इस फिल्म में मैं उनके साथ अगर मुझे एक्ट करने का मौका मिला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई होल लाइफ। एंड कमल हासन सर टीचेस अस मैनी थिंग्स, उन्होंने हमेशा बताया है कि पिक्चर बात करती है, पिक्चर की जो कहानी है वो बात करती है और हम एज एक्टर्स हमारा ये जिम्मा बनता है कि जो भी लेखक जो भी लिखते हैं उसे हम ठीक से और पूरे तहे दिल से हम वो काम करें, तो वो मैंने उनसे सीखा है। और इस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है आप तो देख रहे हैं, जो आपके सामने ट्रेलर है, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने जितने दिन दिए हैं और उन दिनों में जितने घंटे दिए हैं और उन घंटों में उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि उनका मेकअप रोज सुबह 3.5 से 4 घंटा लगता था और फिर वो उसी मेकअप में पूरा दिन बैठते थे और पानी भी नहीं पीते थे ठीक से, क्योंकि अगर स्ट्रॉ के बिना कुछ भी खाओ तो मेकअप हिल जाता था, तो वो एक स्ट्रॉ के साथ लिक्विड फूड जब भी उनका थोड़ा बहुत टाइम मिलता था वो खाते थे और पीते थे और पूरा दिन इसी काम पे लगे थे। और उसके बाद जब पैकअप बोला जाता था और मैं घर चला जाता था वो बैठ के 1.5 घंटा अपना मेकअप उतारते थे और उसकी वजह से उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की, कभी नो कंप्लेंट।
एंड जस्ट लाइक इस पिक्चर का टैगलाइन जीरो टॉलरेंस है, हमारे कमल सर को अगर आर्ट पूरी तरह से निभाए नहीं जाए उसके बारे में वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो अपना वो 200% हर दिन देते हैं एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट गिफ्ट टू वॉच हिम वर्क. ये फिल्म जो है ये आज की तारीख में बहुत मैं एक ज़रूरी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि जिन हालातों से दुनिया और खास करके हमारा देश गुजर चुका है, और आज जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि कॉमन मैन को गुस्सा कब आएगा, कॉमन मैन अपना गुस्सा दिखाता है और हम देख चुके हैं जो वो अपना जो सोचने का ढंग है उसे अपने मतदान से दिखाता है, लेकिन उसके आगे क्या किया जाए. और हम लोग कॉलेज की चाय की टपरी में बैठ के बात करते थे, यार काश एक बंदा होता जो आके सब सेट कर देता, यू नो, वो एक बंदा हिंदुस्तानी है. तो अगर वैसा हिंदुस्तानी आज के हालात में फिर से आके सबको डर और खौफ, जो लोग जो करप्शन करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो दूसरों के जीने का ढंग खराब करते हैं, अगर उनमें एक डर पैदा कर सके वो आए तो क्या बात है. तो वो है इस पिक्चर का पूरा जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ सेनापति. और ये फिल्म जैसे मैंने कहा था ये हर एक भारतीय नागरिक के बारे में है, ये हर एक भारतीय फैमिली के बारे में है, और ये हम सभी के बारे में है. तो इस फिल्म में मैंने जो सीखा है वो मैंने इन दोनों से सीखा है, और मुझे इस फिल्म ने जो सिखाया है वो मैं जानता हूँ कि जुलाई 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है. मेरे साथ जब हम सब मिलके ये फिल्म देखेंगे, जो भी शिक्षा मुझे मिली है वही शिक्षा ऑडियंस को ये फिल्म पहुँचाएगी, और वो बहुत ज़रूरी एक मैसेज है. एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट विल इन्वॉल्व एंड इंक्लूड एवरीबॉडी. एंड क्योंकि जो लोग बोलते हैं करप्शन किसकी वजह से होता है, हम सब की वजह से होता है. तो देयर इज अ रीजन वी टॉक अबाउट नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स. एक अगर आप उंगली दिखाते हो तो चार आपकी तरफ मुड़ के कुछ बता रही हैं. तो ये फिल्म सारे ऐसे टॉपिक्स डील करती है, एंड इट इज माय एब्सोल्यूट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस क्रू. और इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस और बाकी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ नहीं आ पाए उनके बिहाफ पे भी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत काम, बहुत वक्त, बहुत बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है. और आज हम हमारे शंकर सर का जो विजन देख रहे हैं वो आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज़ फॉर मी टू टेल यू दैट यू कैन कम विथ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. ये नहीं है कि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ आया या मैं अपना दिल गाड़ी में छोड़ आया, सब कुछ साथ बटोर के ले आइएगा, क्योंकि ये फिल्म उन सभी से बात करने वाला है. और इस फिल्म में मैंने एक और चीज़ मेरे कमल सर से सीखा है, और जो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज हम एक हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में आए हैं, और इस हिंदी फिल्म के प्रेस मीट में मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और कमल सर आपसे हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि कमल सर और मैंने इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में अपनी आवाज़ में डब की है, और वो मैं उनसे सीखी है मैंने वो बात. और आई होप दैट दिस फिल्म विल बी सीन एज अ ट्रू इंडियन फिल्म एंड ऑल ऑफ यू विल गिव इट ऑल द लव. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, वो जब आज की उम्र में खुद दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब पे कितना इंप्रेशन पड़ता है. नाउ इंस्पायर्ड वी आर टू बी पार्ट ऑफ दिस इनक्रेडिबल टीम ऑफ जेंटलमैन. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म सर. आई एम वेरी प्राउड टू बी योर प्रोडक्ट एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी योर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच. जुलाई 12th विल सी यू इन सिनेमास. थैंक यू.